मेरा चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में सो गाइज आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स पे किसी में बिक्री हुई है तो किसी में इस्तीफा भी दिया गया है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एल एन टी मतलब जिसको हम लर्स एंड टर्बो के नाम से जानते हैं देखिए गाइज़ आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिल है लेकिन अगर मैं बात करूँ इसको ना मतलब कंपनी को दस हज़ार से पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये की रेंज में बड़ा ऑर्डर मिला है एंड एल एनर्जी हाइड्रोजन को बड़ा ऑर्डर मिला है मतलब लाइक इसकी जो एनर्जी हाइड्रोजन है उसको इस कंपनी को मिडिल ईस्ट से एल टी को बड़ा ऑर्डर मिला एंड मेका कॉन्ट्रैक्ट के रेंज में देखा जाए तो वो दस हज़ार से पंद्रह हज़ार तक का था तो खैज अगर आप देखोगे जैसे कि पहले इसमें तेज़ी भी आई थी मतलब ओपन भी पॉजिटिव से हुआ था और एक तरीके तेजी भी इसमें आई थी एक हाई भी बनाया था देन उसके बाद इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है ठीक है पोजिशन है इसलिए होल्ड करके चलो क्योंकि एनुअल टाइम में इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है साथ के साथ गई तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जुबलियन फूड वर्क जुबलियन फूड वर्क में आज के दिन गिरावट देखने को मिली नहीं रहा है वह डेढ़ प्रतिशत की तो एक प्रतिशत के सकते हो रीज़न ये है कि इसमें इसके सी ने इस्तीफा दे दिया मतलब आशीष गोयनका ने सी पद से इस्तीफा दिया आशीष गोयंका का इस्तीफा गई फिफ्टीन दिसंबर दो को लागू होगा एंड फिलहाल जुबलियट फूड का शेयर जैसे कि मैंने आपको बताया मतलब जीरो पॉइंट सॉरी वन पॉइंट थर्टी फाइव प्रतिशत की गिरावट के साथ पाँच सौ बीस रुपये नब्बे पैसे पर ट्रेड कर रहा है साथ के साथ गैस अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आईपीओ की तो देखिए सनरेस्ट लाइफ साइंस का आईपीओ आने वाला है देखिए आज कमजोर मार्केट में एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे इसकी फीकी एंट्री हुई है एंड जो निवेशक है उन पे दम पर ये आईपीओ ओवरऑल फोर्टी एट गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ को एट्टी फोर रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए हैं आज और एन और एसएमई पर इसकी चौरासी रुपये के भाव पर एंट्री हुई यानी कि आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला है लिस्टिंग के बाद यह फिलहाल फिसल कर बयासी रुपये पॉइंट फिफ्टी पैसे पर आ गया और यानी कि आईपीओ को कम से कम आईपीओ के जो इन्वेस्टर्स हैं अगर देखा जाए तो उनको वन पॉइंट सेवेंटी नाइन प्रतिशत का घाटा हुआ है मतलब घाटे का भी सामना उनको आई आते ही करना पड़ेगा चलिए इसमें थोड़ा सा फंडामेंटली आपको देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि किसी भी आई में एकदम से प्रॉफिट तो होता नहीं है थोड़ा देख कर ही आप इन्वेस्ट करिएगा कहीं कर पता चले आप ट्रैप हो जाएं चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मैक्रोटेक्ट डेवलपर लिमिटेड इसमें भी देखिए आज के दिन गिरावट देखने को मिली है डेढ़ प्रतिशत की जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे गाइस देखिए बेंगलुरु में दो हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी प्रोजेक्ट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू देखी जाए तो 2500 करोड़ रुपये संभव है एंड दोनों प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एरिया 8 एम एन स्क्वायर फिट है एंड प्रोजेक्ट की सेल्स वैल्यू बारह हज़ार करोड़ रुपए रखी गई है गाइज एंड फ़िलहाल मैक्रोटैक् डेवलपर का शेयर जैसे कि आप देख रहे हो आज के दिन मतलब वन पॉइंट सिक्सटी प्रतिशत की गिरावट के साथ आठ सौ पचपन रुपये में ट्रेड कर रहा है तो गाइज इसका भी सेम आपको मैं यही बोलूँगी रिटर्न लेवल पे लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक को अब नेक्स्ट स्टॉक गाइज हमारा निकल कर आता है काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड काइनस टेक्नोलॉजी में आप देखिए आज के दिन जीरो पॉइंट सेवेंटी थ्री प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है गाइज एक्चुअल में बोर्ड से इसको चौदह सौ करोड़ रुपए की फंड जुटाने की मंजूरी मिली है फिलहाल काइनस टैग की बात करूँ तो शेयर एन एस सी पे जैसे कि आप देख रहे हो चौबीस सौ चौहत्तर पर देखने को मिल रहा है एंड जीरो पॉइंट पर्थिर, थ्री प्रतिशत की गिरावट के साथ है तो गई फंड जुटाने की मंजूरी इसको मिल गई है तो हाँ आप कह सकते हो आने वाले टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिव वेव इसको इसमें थोड़ा देखने को मिल सकता है बाकी गई मैं आपको इतना ही बोलूँगी जितने भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये काफ़ी टॉप लेवल के स्टॉक्स हैं इनको आप रिडाल लेवल पर देख कर चल सकते हो और जिनका आई आ रहा है उसको भी थोड़ा सा देख चलिए नहीं कहीं पता चले आप ट्रैप हो जाए और आपको लॉस खाना पड़े सो इस चैनल पर नए हैं तो लाइक्राइब करना मत भूलिएगा बल भूलिए मू लेंगे नेक्स्ट वीडियो में